जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज से मैं वोकैब सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग अप माई ओन वे जो वोकैब, ताकि आप सभी को इंटरेस्ट बन सके वोकेबलरी में। जो लोग भी CDS का पेपर दे रहे हैं या NDA का पेपर दे रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें वोकेबलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो आई एम ब्रिंगिंग आउट दैट सीरीज विद यू सो दैट आपको एक मज़ा आ सके। मेरा भी ये मानना था कि मेरी भी इंग्लिश किसी टाइम पे बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी थी ना, वर्ड पावर मेड इजी, लिटरली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें। ये भी मैं मानता हूँ कि सारी वोकैब रूट पे नहीं डिपेंड करती, बट कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट जाग जाता है, और जब इंटरेस्ट जागता तो यू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स। इस बुक में ऐसा है कि एक्सरसाइजेस के टर्म्स में दी हुई है ये, और एक्सरसाइज करते करते ही आपको ये वर्ड्स याद भी हो जाते हैं। आई विल रिकमेंड एवरी डिफेंस एस्पिरेंट टू डेफिनेटली हैव दिस बुक एंड ट्राई टू सॉल्व दिस बुक। 1 महीना लगेगा, आपको पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा जी, और अच्छे से इन द सेंस आपका इंटरेस्ट जाग सकेगा। अभी आपके पास 6 से 7 महीने हैं पेपर के लिए, सो आई विल रिकमेंड ईच एंड एवरी वन टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट रीडिंग दिस वोकैब का पार्ट, वर्ड पावर मेड इजी, जो कि नॉर्मन लुइस की किताब है, आपने सुनी भी होगी। ज़रूर इसको करिएगा। मैं उसी का ही सिनॉप्सिस लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी जाग सके और आप अटेम्प्ट करना भी शुरू कर सकें। आइए ज़रा, आज का जो रूट वर्ड है उसमें दिया हुआ है वो है मिस MISEIN, मेजन, जिससे वर्ड्स डराइव हुए हैं। सबसे पहला वर्ड है जी मिसोगिनी। यहाँ पर बेसिकली 2 रूट वर्ड से बना, मिसन से और गाइनी से। गाइनी नॉर्मली गाइनेकोलॉजिस्ट सुना होगा, डॉक्टर जो फीमेल का होता है, विमेन का, एंड इट्स अ ग्रीक वर्ड राइट, विच मीन्स गाइनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर दैट ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स, ये सुना होगा। तो मिसोगिनिस्ट, मिस का वर्ड का यहाँ पर मीनिंग क्या है जी, हु हेट्स वुमेन। मिस वर्ड का मतलब ही है द वन हु हेट्स वुमेन, सो वहीं से आता मिसोगिनी, हेट्रेड फॉर द वुमेन राइट। मिसन ऑलवेज मीन्स हेट, यहाँ पर यू हेट वुमेन, इज एवरी वन क्लियर, सो दैट इज मिसोगिनी। और मिसोगिनिस्ट द वन हु हेट्स द वुमेन, गाइनी वर्ड याद रहेगा जी। इसी प्रकार मिसएंथ्रोप, यहाँ पर भी एंथ्रोप भी एक रूट वर्ड है जी, अगर आप चेक करो। एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा सब्जेक्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, सो मिसएंथ्रोप हेटेड फॉर द ह्यूमन काइंड, लाइक who hates male or mankind। Anthropos, anthropology सब्जेक्ट पक्का सुना होगा सभी ने, IS में ऑप्शनल में भी होता है। एंथ्रोप वर्ड मीन्स मैनकाइंड, सो मिसएंथ्रोपो मीन्स हेटेड फॉर द मैनकाइंड, सो दैट इज द वर्ड कॉम्बिनेशन वर्ड मिसएंथ्रोप। लेट्स कम टू द अनदर वर्ड मिसोगैमी। गैमी वर्ड भी आपने पॉलीगैमी सुना होगा, स्पेशली आपने सुना होगा पॉलीगैमी वाज अवेलेबल, मल्टीपल मतलब मैरिजेस बाय मेल। मिसोगैमी मतलब द वन हु, अभी देखते हु हेट्स मैरिज। गैमी मींस व्हिच मींस मैरिज राइट, सो द वर्ड इन फैक्ट क्वाइट सिंपल, मिसोगैमिस्ट हेट्स मैरिज। गैमोस वर्ड मेक्स एन अपीयरेंस इन दीज वर्ड्स, मोनोगैमी 1 मैरिज, बायगैमी 2 मैरिजेस, पॉलीगैमी मल्टीपल मैरिजेस। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर, मिसोगैमी का वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया जी सभी को। आइए जरा अगला देखते हैं मिसोकाइनिया, जहां पर भी कम से कम अगर आपको वर्ड ना भी आ रहा हो वोकैब में, वहां पर पेपर में, तो अगर आपने मिसो वर्ड देख लिया तो कम से कम तुम्हारे दिमाग में ये तो हो जाएगा हेट्रेड है। अब काइनिया मीन्स आइडिया है, यहाँ पर ये रूट वर्ड अपने को नहीं पता, बट हेट्रेड ऑफ न्यू आइडियाज इज misokinia. Remember this word, I'll ask you in the coming classes among the series also. इसी प्रकार misogynist, आपको canines पता है जो the one इनको कहते हैं dogs को, तो misogynist the one who hates dogs, ये भी याद रखना, again it's a thing which you can easily remember. Misology, logy means study, if you remember, so the one who hates reasoning is basically misology. The hatred of reasoning is basically misology. I hope everybody is very clear about this thing. Hatred of reasoning is misology. Next, misotheism. Theism means change, new. So hatred for the man, innovation or change is misogynism. I hope everybody is very clear about misogynism, hatred of change or innovation. नेक्स्ट वर्ड इज मिसोपीडिया. आपको याद होगा डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन. जल्दी जरा मेरे को लिखिएगा कमेंट सेक्शन में चाइल्ड डॉक्टर को क्या कहते हैं प्लीज, और वहीं से आपको ये वर्ड अपने आप मिल जाएगा. और मिसो मीन्स हेट, हेट फॉर द चिल्ड्रन इज दिस मिसोपीडिया. मिसोथेइज्म, ये भी रूट वर्ड है थेइज्म, और मिसो द हेट्रेड फॉर गॉड. थेइज्म, थियोलॉजी, थियोथेइस्ट, ये सब वर्ड्स अभी इसी सेशन में मैं डिस्कस करूंगा जी. मिसोथेइज्म मींस हेट्रेड फॉर गॉड. अब मेरे हिसाब से आपको ये रूट वर्ड्स से ये वर्ड्स भी समझ आ गए और याद भी हो गए होंगे. जैसे मिसोगिनिस्ट, जल्दी जल्दी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में अपना आंसर. मिसोगाइनिस्ट, मिसोपीडिया, मिसो theism, misanthrope, all of these are basically miso means hatred, gynist lady, children, god, man. I hope everybody is very, very clear about these words, the root words and how you can remember these words. और भी हैं, अगर आपको याद हो गए हो तो इसको ऐसे नहीं याद करना, साथ साथ लिख के. और अगर मैं फिर से कह रहा हूँ जी, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तभी, और इसको शेयर करिएगा दबा के, और सब्सक्राइब करवाना अपने सभी एक बंदे ने 10-10 20-20 बंदों से, तभी मैं वो क्या पूरी अच्छे से कवर करूँगा इस बारी. द थिंग्स विच वर रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर यू पीपल इन द पेपर, वी आर गोइंग टू मेक इट ईजी. और याद रखिएगा वो क्या कभी एक दिन में नहीं बनती, इट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू क्रिएट इट एंड दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू मेक इट. आइए जरा अगला वर्ड, रूट वर्ड. जैसे आपने मिसोथेइज्म देखा, थेइज वर्ड आप कई जगह पर पढ़ोगे जी. THE which means God. Theist means the one who believes in God. The one who believes in the existence of God is theism. Atheist, the one who does not believe in God. बहुत सिंपल है, थेई वर्ड जहां पर भी आएगा आपने बस गॉड देखना है. थियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ गॉड. I hope everybody is clear. Study of God or systematic study of religion is theology. Theocracy. Again, cracy is a root word which means rule. So theocracy is the rule of God, or based on the religion. I hope you people were clear about these root words. You understood the logic, how these relate. इसी से हम crazy बाद में करेंगे. Plutocracy. बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं विच यू कैन लर्न. सो ये नॉर्मल लुइस को कवर करने का मेरा कोशिश रहेगा ताकि तुम लोग खुद खोलना शुरू करो और पढ़ना भी शुरू करो. और जो वहाँ पर दिया वो भी मैं इस बारी, जैसे अगर आपको याद हो इस बारी पेपर में आया था सिंपथी और एम्पथी, तो ये वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कट दिया हुआ था. सो आई फील वी शुड डू इट. वी विल मेक श्योर दैट आई कीप ऑन एडिंग अप द ये वोकैब सेशंस ताकि बेसिक इंग्लिश अच्छी बन सके. एक आज का होमवर्क है जी सभी के लिए. वर्ड दे रहा हूं, आपको बताना है इन दोनों में फर्क क्या है. एक वर्ड आपने पढ़ा होगा बॉर्न, एक वर्ड और है जी BORNE. इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपने बताना है. ये न्यूज़पेपर में कई बारी सुना होगा BORNE यूज हुआ, तो यू नीड टू गिव अप द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स इन दिस पार्ट. Now I'm coming to announce you people, like Unacademy has bringing out a new batch for CAPF जिसका नाम है जज्बा CAPF. सितंबर 15 से ये बैच शुरू हो रहा है जहाँ पर ये टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू गाइड यू पीपल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर फॉर पेपर CAPF पेपर. सो डू ज्वाइन दिस बैच. अभी आपको भी पता कल तक ऑफर चल रहा है. अभी CFF पे 20% ऑफ है सब्सक्रिप्शन पे, और CDS AFCAT की सब्सक्रिप्शन पर भी 20% ऑफ है. सो इफ यू रियली वांट टू जॉइन अस डू यूज दिस कोड प्रतीक तक्षला टू जॉइन द कोड टू जॉइन द क्लासेस. प्रतीक तक्षला, यू विल बी गेटिंग 20% ऑफ राइट नाउ टिल टुमारो. थैंक यू, जय हिंद.